नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करिए नया वीडियो पाने के लिए। अब आपको जो है बड़ी खुशी की बात, एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और मिल भी रहा है। तो देखिए, हाई स्कूल का जो पढ़े एनसीईआरटी पैटर्न नया सिलेबस इन हिंदी माध्यम पार्ट 5वां है, समांतर श्रेणियाँ का प्रश्नावली 592 का जो है 8वां क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को भली बात समझिए। एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, जिसका मानेंगे यहाँ प्रथम पद क्या है, ए माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा ये है ये सर्वांतर डी है, ठीक है। ये मान लीजिए, देखिए कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है। तो सूत्र आप जानते हैं, ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू, ये सूत्र होता है। कह रहा है जिसका तीसरा, तो तीसरा कह रहा है तो ये n की जगह 3 हो जाएगा, a 3 a प्लस n का मान यहाँ 3 माइनस वन इंटू डी बराबर क्या दिया है 12, यानी a प्लस टू डी बराबर 12 दे दिया है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है 106 है। तो देखिए इसमें कह रहा है 50 पद है, n का मान 50 दिया है, ठीक है। अंतिम पद 100 क्या है 6 है। तो अंतिम मान ये क्या है, यह l दिया है, यह l का मान दिया है 106। वो वाला सूत्र लगाएंगे तो l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 106 ए प्लस, अब देखिए n का मान क्या दिया है 50, यहाँ n का मान रख देंगे 50 माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस 49 डी बराबर 106, ठीक है। a प्लस 49 डी बराबर 106 हो गया। अब दोनों निकल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और ये समीकरण दो, समीकरण दो में से समीकरण एक को हम घटाएंगे, ठीक है। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर अब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर तो a प्लस 49d बराबर 106 है दो, और a प्लस 2d बराबर क्या है 12, ये एक हो गया। घटाएंगे हम माइनस माइनस माइनस, प्लस जब माइनस हो जाता है ये हो जाएगा 47d, ये हो जाएगा 4 9 d बराबर 94/47, तो 2 × 7 = 14, 2 × 4 यहाँ 2 आ जाएगा, कट जाएगा, d का मान 2 आ गया। जब d का मान निकलता है तो d के मान निकालने के बाद हम a का भी मान निकालेंगे। तो अब d का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे, 3 या 2 में तो मान निकल जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में रखने के बाद देखिए क्या होता है। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 है। तो यहाँ से a d का मान निकला था 2, ठीक है, a प्लस 4 12, a बराबर 12 माइनस 4 आ गया 8, a की वैल्यू 8 आ गया और d की वैल्यू 2 आ गया।
जब इन दोनों का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब कह रहा हूँ उनतीसवां पद, देखिए कह रहा ये कह रहा हूँ उनतीसवां पद ज्ञात कीजिए, उनतीसवां पद की बात हो रही है, तो हमको निकालना है ए उनतीस, तो सूत्र लगाएंगे जिसमें ए और डी का मान रख देंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मतलब उनतीस यहाँ रख देंगे, ए का मान आठ और एन का मान जो है पचास माइनस उनतीस टू ट्वेंटी नाइन, क्योंकि एन की जगह है माइनस वन इंटू डी का दो एट, ये हो गया अट्ठाईस बुढ़े दो, ये हो गया आठ दोना छप्पन चार साठ चार चौंसठ हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है यही आंसर हो गया, ठीक है इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। और हम चलते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यानपूर्वक। नवा किसी एपी की तीसरे नौवें पद क्रमशः चार माइनस आठ हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए तीसरे और नौवें पद जो है क्रमशः चार और माइनस आठ है, तो यहाँ भी मानेंगे हल करेंगे, तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तो तीसरे कह रहा है, तीसरे सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो तीसरे तो ये तीसरा हो जाएगा, यानी कि जगह तीन आ जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तीसरा कितना है चार है, यानी ए प्लस टू डी बराबर चार, समीकरण नंबर एक हो गया। और नौवें पद माइनस आठ है, ए नाइन ए प्लस एन की जगह नाइन हो जाएगा, माइनस आठ है तो ए प्लस एट डी बराबर माइनस आठ, समीकरण दो हो गया। अब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर तो ए प्लस एट डी बराबर माइनस एट, ए प्लस टू डी बराबर फोर है, घटाएंगे माइनस 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 कट गया, ये सिक्स डी माइनस बारह, डी का मान बारह बटा छः दूना माइनस दो आ जाएगा, ठीक है ये आ रहा है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सिक्स डी हो गया माइनस डी का मान माइनस टू आ गया। अब ए का मान निकालेंगे, ए का मान निकालने के लिए ए का मान समीकरण एक में रखेंगे, ए का मान समीकरण एक में रखने पर ए का मान समीकरण एक में रखने पर ए प्लस टू डी बराबर क्या था चार था, ठीक है तो ए टू डी का मान, ए का मान नहीं है डी का मान, सॉरी डी का मान है ये, ठीक है डी का मान समीकरण एक में रखेंगे हम, ए माइनस चार बराबर चार, ए बराबर चार धन चार, ए बराबर आठ आ गया, ए का मान आठ आ गया और डी का मान माइनस टू आ गया। तो कह रहा है प्रश्न में भी कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मान लीजिए इसका पद क्या है ए एन शून्य होगा, माना इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है तो माना ए एन शून्य होगा, माना ए एन शून्य होगा, ठीक है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन शून्य हो गया, ए का मान आठ रख दिए, एन माइनस वन और डी का यहाँ रख दिए माइनस टू, तो एट माइनस टू, यह माइनस का गुणा होगा माइनस प्लस माइनस, टू का गुणा होगा टू एन प्लस टू, यानी एट दो दस माइनस टू एन बराबर जीरो या टू एन बराबर टेन, तो एन बराबर टेन बाई टू, टू फाइव एन बराबर फाइव, एन का मान यहाँ फाइव आएगा, यानी पाँचवा पद इसका शून्य होगा,
इस प्रकार इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।